फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर यहाँ पे टैक्सी में चल रही है और काफ़ी सारी यहाँ पे कार है जो टैक्सी में चल रही है। और मंडे को ये जो चाइना मार्केट है, चाइना टाउन बोलते हैं, ये बंद रहता है, तो आज मंडे है इसलिए बंद है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, शायद बंद है इस वजह से भी नहीं दिखती होंगी। यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट ये सब बहुत ज़्यादा हैं, रोड के दोनों साइड रेस्टोरेंट ही हैं, कोई ऐसा मार्केट, कपड़े की मार्केट या स्ट्रीट फूड मार्केट तो मुझे नहीं दिखी। ज़्यादातर यहाँ पे रेस्टोरेंट ये सब ही हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जगह जगह पे सुपर स्टोर और 7-Eleven मिल जाएगा, तो अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए रोड क्रॉस कर लेते हैं। चलिए हमने रोड क्रॉस कर लिया और ये देखिए, ये है चाइना टाउन रोड। हाउसन रोड से मैं वोल्ट बाइक राइड बुक करके आया था, तो मुझे कुछ 37 बात की पड़ी और यहाँ से भी लगभग वही अराउंड दिखा रहा है। अभी देखता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ, उसके बाद मैं वोल्ट बुक करूँगा, वापस से हाउसन रोड जाऊँगा, क्योंकि हाउसन रोड से मेरा जो स्टे है, हॉस्टल है, तो वो काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ से मुझे ईजी रहेगा जाने में। तो जब भी आप बैंकॉक आएँ तो फिर समझ जाएँ कि मंडे को यहाँ पे क्लोज रहता है, मंडे क्लोज है, जो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं वही यहाँ पे खुली रहेंगी। स्ट्रीट है, चलिए यहाँ पे चल के देखते हैं क्या कैसा है। सी फूड है, ये कटहल है। हाउ मच फॉर दिस? 40 baht। How much for this? Banana 50 baht. Whip chocolate 50 baht. Okay. And banana and egg. Banana and egg. Whip chocolate 50. No chocolate. 50. Banana and egg. 50. हिसाब से खा लिया है, जो कि यहाँ पे आप देखा होगा, आपने मैंने आपको पहले भी दिखाया था, रोटी में अंडा और केला मिक्स करके देते हैं 50 baht का। अगर आपको चॉकलेट डालना है तो 60 baht लेते हैं, मैंने उसमें चॉकलेट नहीं डाला तो अपना रात का काम हो गया, काफ़ी हैवी भी था। अब चलते हैं यहाँ से बोल्ट या ग्रैब बुक करके सीधा हाउसन रोड, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है मेरा हॉस्टल, तो वहाँ से मैं वॉकिंग करके चला जाऊँगा। तो अभी देखते हैं कहाँ से मिलता है। हाउ मच फॉर हाउसन रोड? 200 baht। सो एक्सपेंसिव। ऑन द बॉल 50-40। यू डोंट गो? यू स्पीक इंग्लिश?
मकान भाई ऑटो रिक्शा वाले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। ऑटो रिक्शा वाले 2-3 किलोमीटर का यहाँ पे 200-300 बात, यानी कि 500-600 के आसपास हो जाएगा। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे ग्रेब और बोल्ट का ही यूज़ करें, अगर आप सिंगल हैं तो, या दो लोग भी हैं तो फिर भी आपको सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन शायद सिंगल सीट ही अलाउ है, डबल सीट अलाउड नहीं है। तो आप लोग अगर ग्रुप में आते हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ तो इसलिए मुझे ग्रेब या बोल्ट काफ़ी चीप पड़ रहा है। वो 200-300 भात मांग रहे उतने दूर जाने के, और यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये में काम हो जाएगा। 50 रुपये में मतलब यहाँ का 50 भात। चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये है चाइना टाउन रोड, और यहाँ आगे चल के कुछ दूर पे फिर उसके बाद बुक करता हूँ मैं अभी। आप देख सकते हैं 8:30 बजने वाले हैं। अब यहाँ से चलते हैं और बोल्ट या ग्रैब बुक करते हैं, देखते हैं कौन सा चीप पड़ता है हमें। ठीक है, फिर मैं आपसे डायरेक्ट थाउसन रोड पे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने अभी बोल्ट पे बुक कर दिया है राइड, और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये देखिए, बस ये पहुँचने ही वाला है अभी मेरे पास। ये देखिए मैसेज भी आ गया उसका, तो आस पास ही कहीं होंगे। इसमें चैट भी कर सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे नहीं खड़े हैं, तो इस तरह से उनको पता चल जाएगा। अभी देखते हैं किस तरफ से आ रही है गाड़ी। ये देखिए लोकेशन में दिखा रहा है, यहाँ पे हमारी लोकेशन है और वो इस तरफ से आ रहे हैं। देखते हैं किधर से आना होता है उनका। आई एम हियर स्ट्रीट सिग्नल 7-11 नियर 7-11। ये देखिए ये आ गई बोर्ड। How much bhat all day you earn? No English? Okay. भाई यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देखो सिर्फ ऑनलाइन से काम हो रहा है। यहाँ पे बुक किए राइड